किचन तक हो गया कल फोन बंद कर लो कल कितने तक सवाल हो गया थी तेरह तक हम हो गए चौदवा सवाल बोलो जी फोन बंद करना बिल्कुल तू ही बोलो दो पिंड ने किने इन्हें दो आबादी का जरा अनुपात कुछ समय बाद अपन नहीं पता किन्ने टाइम बाद वाई दे विच किन्ने हजार दी इंक्रीमेंट हो जाती है 25,000 दी ठीक पर कहता एक्स दे विच कोई तब्दीली नहीं होता ठीक वाई की कितना बढ़ गया 25,000 पर एक्स से कोई तब्दीली नहीं हो रही जिस करके उनका का न्यू अनुपात जरा है वो कितना है 25 वाधा हो रहा एक्स से कोई तब्दीली नहीं हो रही तो एक्स नु सेम होना चाहिए रेशो से भी सेम होना चाहिए क्लियर पर इतने रेशो से सेम है एक्स नहीं सर नहीं है पूरे कितना पूरे कितना 25 पूरे कितना का 5 पूरे कितना 25 की 5 नु आपा 25 बना सकते हो 5 नु आपा 25 बना सकते हैं किवें बनावांगे गुना 5 ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਤੇ 25 ਬਣ ਜੂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ 5 7 35 ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ 25 36 ਆਈ ਹੈ 25 ਤੇ 36 ਆਈ ਦੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ x ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ y ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਉੱਤਰ6,25,000 6,25,000 आंसर है ठीक है तो पता नहीं लगे तो गुना किता मैं 25,625 हो जाएगा मैंने पता भी तुम गुना कर दियो ठीक है सिंपल गुना कर दियो कोई दिक्कत नहीं पर स्केयर याद करो ठीक ही होगा अगला क्वेश्चन बोलो प्रेजेंट
इंक्रीमेंट हो गया 25,000 ठीक है 25,000 इंक्रीमेंट में कहता एक्स वाई क्यों वैसी एक्स तो फिक्स था चेंज ही हुआ पर उन्हें चेंज हो रहे 25 तो 25 है ना चेंज नहीं हुआ कंडीशन नहीं हुआ और उन्हें हो रहे आप हो जाए चीज करना होगा कि इन्होंने सेम है सेम बनाना होगा एक्स नू सेम बनाना तो क्या कि मैं 5 नू 25 बना सकूं अगला क्वेश्चन देखो पंद्रमा हो गया किधर किधर नहीं हुआ पंद्रमा करके देखो ट्राई करो पंद्रमा हो गया पीछे मेरा नहीं हुआ सॉरी मैम एलिगेशन का क्वेश्चन है एलिगेशन पूरे मैच चल रही है
पूरा मैथ ही कराऊंगा मैं ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ ਛੇ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਐਵਰੇਜ ਟੈਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ दो दिन पता कल कहता पंद्रह इस समय कविता सविता की उम्र का उम्र तो दुगनी है कविता जी सविता की उम्र तो कि किस तो दुगनी जिस नाल कंपेयर कर रहे उस हमेशा बढ़ रहा कि कंपेयर कर रहे सविता सविता की बना गए कविता कि डाउट है नौ दिगुना ऊपर करेंगे एक दिगुना नीचे नौ दिगुना ऊपर कितना नौ दिन नहीं अठारह तेरह एकम हूं दसो कि अंतर आ रहा है
चार है रेशो दे विच साल च कितने दा अंतर थी 8 ईयर दा मैं कह सकदा चार रेशो बराबर 8 ईयर दे एक रेशो बराबर 2 ईयर दे क्लियर हां जी पूछा गया ना ने सर प्रेजेंट की कविता कविता ऐसे ही था या कविता है ना एक की वैल्यू 2 है 18 की वैल्यू कितनी हो 36 तो कविता कितने साल दिया 36 हूं जब फ्यूचर से पूछा 8 साल बाद की नहीं होगी तो 22 डिवाइड कर लेना 22 डालो 36 कट जोड़ दो ना ठीक हो ना अपन ने आंसर करना ना आंसर चाहे जितनी मर्जी कर दो टाइम बदला के करो चाहे टाइम कट ला के करो आंसर करना मूल तो ही है पर नुकसान थोड़े ही है जे टाइम बदलोगे तो मिटा ना कोई डाउट है हो गया सोलवा भी करा दें देखो सोलवा सवाल बहुत सौखा है ट्राई करके ये नहीं होया कल मैं तो होमवर्क ठीक है ये होमवर्क थोड़े जो कोई पीजी से नहीं है ना पीजी से मेरा नहीं कितने जा बना है ਕਰਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਖੇਤ ਵੀ ਸੋਇਆ ਹੀ ਸਭ ਸੱਚੀ ਸੋਇਆ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ 3:5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਹੈ इस ग्लास ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਮਿਲਕਰ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਕਿਸ ਅਨੁਪਾਤ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 3:5 ਪਾਣੀ 3:5 ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨੂੰ दो गिलासा की समग्री जो मिलकर मिश्रण तैयार होया गिलासा का ओनू एक तीजे गिलास में मिलाना इधर भी कुछ ना कुछ कटा गया इधर भी कुछ ना कुछ कटा गया तो एक तीजे गिलास से मिलावे चलो सुन ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਗਲਾਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1:1 ਕਲੀਅਰ ਆ ਇਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢਾਂਗੇ ਇਧਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ 1:1 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗਲਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ किस अनुपात बनाना मैं तुम एलिगेशन कदों लगता होंगे दो मिक्स करके की कर रहे मेन पता जे मैं कुछ कढूंगा भी ना तो जो पानी निकलूगा या जो भी मिश्रण निकलूगा रेशो 6:1 ही रहेगा दुध चो पानी नहीं कट सकते
या पानी तो दुद्ध नहीं कर सकते, जो तुम कदोगे तो दोनों इकट्ठे बाहर बाहर आ गए तो उस रेशो से ही बाहर आएंगे। ठीक है, आओगे इस तरह के सवाल अगर दसूंगा तो भी डिटेल दे कहना इन्ना समझोगे इतने की लगूगा दो अड्ड अड्ड मिश्रण करके तीजे मिश्रण ला रहे हैं तीजी गिलास से उत्तर की लगूगा हूँ एलीगेशन लगाना की है तीजे उत्ते एलीगेशन इतने लगूगा टोटल का तो किसी एक क्वानटिटी का कि टोटल का एक क्वानटिटी तुम दोनों चो एक चक लो मिल्क तो वाटर की गल कर रहे हैं और दोनों चो किसी एक चक लो कि चकी ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਤਿੰਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਅੱਠ ਪੰਜ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅੱਠ ਅੱਠ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਅੱਠ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਿਲਕ ਤੇ ਪੰਜ ਵਾਟਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮਿਲਕ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅੱਠ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 6 ਟੋਟਲ 7 ਤੀਜੇ ਨੇ ਦੱਸੋ ਮਿਲਕ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 1 ਨੀਚੇ ਹਮੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਟੋਟਲ ਜੋ ਵੀ ਟੋਟਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ ਹੁਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟ एलसीएम ले लो निचले का 2 8 7 किता किता 2 8 7 2 8 7 का एलसीएम होता 56 कितना होता 56 जो एलसीएम है उन्हें इनना गुना कर लो 56 सारे 8 7 ठीक है 8 7 56 7 8 56 कई दुनी 5 दुनी 56 ਤੇ ਇਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਥੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ 21 ਅਰਟੀਕਲ 42 ਤੇ ਨੀਚੇ ਕਿਲਾ ਜੂਆ 28 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਭਾਈ ਡਾਹ ਬਦਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲੀ अपना काम आई होना ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਦੋ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਬਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜੋ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ 21 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ 48 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ 28 ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਾ 28 ਵੱਡਾ ਕਿ 21 ਵੱਡਾ ਹੀ 28 ਵੱਡਾ 28 ਚੋਂ 21 ਕੱਢੇ 7 ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਠੀਕ 48 ਵੱਡਾ ਕਿ 28 ਵੱਡਾ 48 ਤੋਂ 28 ਕੱਢੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਤਾਂ b ਤੇ 7 b ਅਨੁਪਾਤ 7 ਇਹ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 22ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪੋਸੀਬਲ सब तो बड़ा कौन ਆੜ ਦਾ ਦੁਗਣਾ ਕਰ 16 ਕੀ 16 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਕੀ 16 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰ ਤੇ 16 ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਬਈ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਪੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਵੱਡੇ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ
की 16 ਤੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਫਿਰ 8 ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾ 38 24 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ 24 24 ਕੀ 3 ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ 8 ਆ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 24 ਕੀ ਆਪਣਾ ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਨਾਲ 8 ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣਗੇ 8 16 24 31 995 जोड़ना कितना 1000 अगले सवाल जरा गुणा करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ा के बैठ जाओगे अपना सर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की हां सवाल थोड़ा हैगा वो कैलकुलेटिव ही है सवाल पर मैं कैलकुलेशन को बचा लेता हूं किमे बचाना वो दम देखो सवाल बोलिए की किसका सर इन टू नेट्स ऑफ मिक्स्ड टी सर 4 से 7 है 1 2 से 3 कीला कीला भाई ये पहला वो तो की दार्जिलिंग के सामने है सर दार्जिलिंग टी ए आसाम की दार्जिलिंग पता कितने हां इससे की मीडिया जी इंडिया से दर्द लग जो इंडिया चाहिए इंडिया मतलब प्लेस था सर इंडिया चाहिए चलो एक तो दार्जिलिंग टी की बात कर रहे थे दूसरा असम कितने हैं सारे ये असम नहीं है इधर पास असम के पास ही है उधर नहीं है बड़ा इधर ले बस आपके डाई है ना चले नहीं जा गया दार्जिलिंग का असम दो तरह की है पहले का अनुपात कितना है सर 4 इज 7 4 रेशो 7 चक्कर अपनी मर्जी जो मर्जी बोलो चार चार बटे 19 प्राइम नंबर है 5 वीक प्राइम नंबर है 11 प्राइम नंबर है किसी ने नहीं जोड़ा नहीं होगा बेटा ठीक है हां छोटा प्राइम नंबर केड़ा है हां सर में छोटा प्राइम नंबर है तो दिक्कत नहीं है प्राइम नॉट प्राइम नॉट प्राइम तो ना कोई नहीं यूनिक नंबर कहते हो और इनका एलसीएम भी होगा इनका प्रोडक्ट ठीक है ना हां जी प्राइम नंबर का एलसीएम लेना तो प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट कर दो एलसीएम हो जाएगा तो आ आ गया अपना एलसीएम होने तो गुणा करना नहीं बैठता आई लिखो 11 गुना 19 गुना 5 11 गुना 19 गुना 5 गुना करोगे पहले फिर गुना करोगे ठीक है और 11 11 कैंसिल 5 ला 5 कैंसिल 5 ला 5 कैंसिल कौन गुना करोगे तो इजी होगा प्लान बन गया जी
देखो जोड़ो देखो जो आप दो चीजा मिक्स करते हैं जी थर्ड वैल्यू होंगी दोहां दे विचाले होंगी 380 तो छोटा हो गया ना ये चार तो 18 तो छोटा ही है 300 विचाले नहीं आ गया विचाले आ गए तो कुछ ना कुछ गलती है मैं देख लेता की गलती है मैंने कंफर्म तो सीधा भी 625 जो गाड़ी हो गए तो भी कर लेंगे देख लेंगे आपको गूगल बाबा जिंदाबाद वो तो सब कुछ मिल जाता है दो रेशो पांच हो देख तीन तरह के मिश्रण ने एक दार्जिलिंग टी का दूजा असम टी दार्जिलिंग असम पहले अनुपात क्या चार अनुपात सात दूजे का किन्ना गा दो अनुपात तीजे का किन्ना गा ਪਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਆ ਪੰਜ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਵਾਲੀ ਛੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਦੇਖੀਏ ਮੂਰਲੀ ਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੂਰਲੀ ਜਾ ਚਾਰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਠੀਕ ਦੋ ਚੱਕਾਂਗੇ दो किने चो छे चक्कर छे किने चो उन्नी टोटल किन्ना गा ठीक है ना हुण एलसीएम लो मैं कीता कीता 11 7 ते 19 11 भी एक प्राइम नंबर है 7 भी एक प्राइम नंबर है ते 19 भी एक प्राइम नंबर है प्राइम नंबर दा जेड़ा एलसीएम हुंदा है ओना दा प्रोडक्ट ही हो जांदा ओना दा गुणा हो जांदा एना नु भी गुणा करोगे ते एलसीएम आ जाऊगा 7 गुणा 11 गुणा7 × 7 ਛੱਡ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 × 7 × 19 2 × 11 × 19 6 ×
ग्यारह ग्यारह
ਕਿੰਨਾ ਜੁਗਾ 7 ਤੇ 2 ਹੁਣ 2 ਦੇ ਪਾਰਟ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 2 ਬਣਾ 7 ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ थोड़ी गलती हो जाएगी थोड़ी और तुसी जो कह रहे हो 15 बटा 22 गुणा 22 गुणा 7 पा दो उत्थे कहानी हो जाएगी अगले हाँ पर कापी जो थोड़े चेक करेगा कि जे तुम कला 22 गुना 7 भी लेके चलते तो हो रही थी कहता मैं सीधा करके थोड़ा जल्दी पूरे में 22 गुना 7 करके पूरे 11 गुना 7 कट गया 11 गुना 22 कट गया 22 गुना 22 तो देखो 8 7 56 56 दूनी 112 एलीगेशन का सवाल पता लगा कि होगा डाउट है एलीगेशन हो जाए ਬਟਾ ਨਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਤੋਂ ਕਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ 1 ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਰੇਟ ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬਾਈ ਮੈਂ बिल्कुल बिलकुल ही गलत मैं करैक्ट कर भी नहीं सकता कोई ऐसा छड़वाया नतीजा वजो कोल विच एक पग दुध ते दो हिस्सा पानी एक पग दुध दुध किन्ना होगा एक पग ते दो पग किन्ने होण की होणगे पग मिल्क एंड वाटर किन्ना बनाना एक ते आ गया लेना ना जी लबना ही ਉਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਚੱਕੀ ਪਿਛਲਾ ਦੇਖੋ ਹੀ ਉਹ ਬਾਟਰ ਚੱਕੋ ਹੀ ਬਾਟਰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਚਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ 7 ਵਟੇ ਕਿੰਨਾ ਜਗਾ 12 7 ਵਟੇ 12 ਚਲੋ 5 ਵਟੇ 12 ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ 11 ਵਟੇ 11 ਵਟੇ 7 12 ਵਟੇ 3 ਐਲਸੀਅਮ ਲਵਾਂਗੇ 12 3 17
एक शीशी विच चार रेशा एक दिन अनुपात विच दो तरल पदार्थ ए अते बी है अते ठीक है उन्हें नया नया टाइप करना नया क्वेश्चन है सर 10 ही कट गया ना ते 10 ही पा हां कोई फर्क ना पड़ना चाहिए से जब 10 ही मिश्रण 10 लीटर कट गया जिने विच जेड़ा कट गया तो ए ते बी दोनों मिक्स होके मिक्स होके मिक्स होके निकल पर इन च पाया की गया बी ही पाया गया तो बी की क्वांटिटी बढ़ गई ए की क्वांटिटी हले भी फिक्स है ठीक है ना फर्क पे आ गया फर्क समझ में आई जी होमवर्क कर ले ए 23 तू ये समझा नहीं कोई नहीं करता सर मैं यार होमवर्क छोड़ दो ये भी कर दो छोड़ दो अगला कराओ जी गूगल पे सर्च कर गूगल तो मेरे होमवर्क चलाना मेरे नाम गूगल पे सर्च भी कर हां जी बात ठीक है आज अपनी करे बस बाल जी बट डेट तो बचो करा दो राउंड कम राउंड से करा दो ये बात के बाद नहीं है सवाल करवा दो कलू भी करवाना होगा मेरे राउंड से करा दो सारे बच्चे करवा दो चार रेशो एक दे अनुपात विच दो तरल पदार्थ हुंदे ने एक शीशी जिहदे विच ए ते बी दो तरल पदार्थ आ जिहदा अनुपात के चार अनुपात ठीक है कहिंदा ए दे विचों 10 लीटर की कढेगा बाहर तरल पदार्थ 10 लीटर कढिया कुछ भी किन्ना भी लीटर होगा आपां नूं नहीं पता पर 10 मिनट बाहर कढिया जिहड़ा 10 लीटर बाहर कढिया गया कोई 10 दा एदा अनुपात की होगा जदों भी दुध ते पानी दा मिश्रण मल ओदे च जदों मैं दुध ते ओ कुछ भी कढूंगा विच तो ओ भी जो निकलूगा जेड़ा नवा कढ्या गया ओदा रेशो पुराने रेशो दे बराबर ही रहंदा हमेशा चार रेशो ते एदा 4:5 ही रहूगा इक सर 4:1 जो भी ए रेशो नहीं चेंज हो लग गया क्योंकि दुध चो तुसी पानी नहीं कर सकते या पानी से दुध नहीं कर सकते पॉसिबल नहीं मिश्रण ही बाहर आऊगा जो होगा तो मिश्रण का जो रेशो उसी रेशो से बाहर आऊगा ठीक है ना किस रेशो से बाहर आया 4:1 तो टोटल क्वांटिटी कितना का रेशो जे 5 पर एक्चुअली कितना 5 की वैल्यू 10 की वैल्यू 2 4 की वैल्यू 8 1 की वैल्यू 2 मतलब ਕਿਹੜਾ 10 ਲੀਟਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਏ 10 10 ਨਹੀਂ ਸੀ 10 ਸੀ ਸਰ 8 8 ਸੀ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 2 ਏ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 8 ਤੇ 2 ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਮੈਂ ਰੱਖਤਾ ਬਾਹਰ ਸੈਡ ਤੂੰ ਜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਅੱਡ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਏ 8 ਲੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬੀ 2 ਲੀਟਰ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਮੈਂ ਸੈਡ ਕਰ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਗਿਆ ਇਸ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ 4:1 ਰੇਸ਼ੋ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ 4:1 ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ b ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ b ਚ 10 ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ 2:3 2:3 ਠੀਕ ਕੀ ਪਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੋ ਹੋ ਸੀ ਤਰਲ ਬੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੀ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਨਫਰਮ ਪਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬੀ ਚ ਹੀ ਉਹ ਆ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਰਹੂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਰ ਦੋਨੋਂ 2 × 4 ਤੇ 2 × 6 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 4 ਉਹ ਕਿੰਨਾ 2 ਮੈਂ 4 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਛੇ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ 4 ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਨਾ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਚੋਦੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਗਾਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਵਾਬ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4:1 4 ਦੂਣੀ 2 ਦੂਣੀ 4 2 ਤੇ 6 ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ 5 ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜਿਆ 10 5 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ 4 8
चार है ना, पर रेशो से एक्चुअल लीटर से कितना हुआ 8। हां जी 4 दुनी 8, एक दिवाली 2 और 4 दिवाली 8 हो जू। हां जी हूँ जरा बचा है ओद एक ना अठ जरा बाहर कटिया से ओद भी एक ना सी अठ टोटल किन्ना सी 16 यही पूछा थी शुरुआत के विच किने जेड़ा बाहर कटिया सी ते सर जेड़ा ओदे विच सी विच हैगा विच दा ओदा 8 ही सी ते बाहर भी 8 ही ठीक है टोटल किन्ना हो गए 16 इना ने ही पूछा शुरुआत दे विच किने क्योंकि ए तो आपा पा ही नहीं कटिया तो जो बच गया ओ विच ही आ जो बचा थी वो 8 थी जो कटिया वो भी की थी 8 टोटल कितना थी 16 कोई डाउट मैंने एक चीज पूछी थी जी मैंने जो थोड़े दो ना मैं डिटेल करके अपन ने तो सेम कर लिया मतलब इन फ्यूचर के विच कोई है जस्ट सम आंदा का तो आप ओदे विच भी ये मेथड लगा सकते हैं इन फ्यूचर के विच मान लो आएगा सवाल कोई और मैं आ मेथड ना होवे मतलब आ सम ना होवे कोई और सम होवे अच्छा इन्हें कट जुआ का तो आई थी टेस्ट थी किसी का ना तो टेस्ट तो इन्हें डाल देगा मैं तो यही बना था टेस्ट तो सब देना चाहिए बहुत बुरी जगह टेस्ट के ना पता लगा भी तुझे कितने खाए हो ये अकेडमिक नहीं पढ़ रहे कि पास वाला जरूरी है थे समझ रहे हो अकेडमिक का मतलब पता क्यों लगा स्कूल वाला कॉलेज वाला जो भी है सारा कुछ अकेडमिक होता है ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 80% ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਏ ਬਸ ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਾਂਜੀ बाकी कल करते ठीक है कोई भी डाउट पे पूछ लियो।